नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर सुपरिंटेंडेंट एडमिन और जूनियर सुपरिंटेंडेंट अकाउंट्स पोस्ट के बारे में, जिसकी वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में निकली है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। तो जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट एडमिन। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। हायर डिग्री होनी चाहिए या फिर टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर लॉस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सीनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट पे लेवल 5 में, और 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 3 में। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस की, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इक्विवेलेंट मस्ट है। जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट अकाउंट्स। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ, नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन की और स्टैट्यूटरी लॉज की जो टैक्सेशन, लेबर और अन्य से रिलेटेड होते हैं, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर मेंबरशिप होनी चाहिए कॉस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IITs, IISER, IISC और सिमिलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न और इक्विवेलेंट में, कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ और इंटरमीडिएट CA, ICW या CS, और नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न और इक्विवेलेंट में, कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ और नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज में, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एनुअल अकाउंट ऑफ फाइनेंस, बजटिंग फील्ड में। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनल ऑडिट्स, ऑडिट वर्क्स, फाइनेंस, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंस, बजटिंग एक्सेट्रा में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज का, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एनुअल अकाउंट, फाइनेंस फील्ड में। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न एंड एक्सर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और इनके लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है जो है www.iitism.ac.in। जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं दोस्तों टोटल है 24, और जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो भी यहाँ गिवन है। एज लिमिट है 18 से 35 साल, स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 14 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है धनबाद, झारखंड। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है हर पोस्ट के आगे, दोनों पोस्ट के आगे उनकी एज भी गिवन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी गिवन है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपये है जो कि SPU ही इसमें होगी आपको, और उसका लिंक भी गिवन है। आप इस लिंक पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, और एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे लिंक भी दे रखा है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इनके पोर्टल पे पहुँच के अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे एक रिप्लाई बॉक्स की बना जहाँ पे आप रिप्लाई करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये आप लोग के लिए ही बनाया गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें और इंटरेक्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।